गुड मॉर्निंग एवरी वन. यस्टरडे वी हैड रेड अबाउट बैम्बू हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ मिज़ोरम, यानी कि हमने मिज़ोरम के जो ऑक्यूपेशंस हैं उसके बारे में पढ़ा. उसके बाद हमने हिमालयस में रहने वाले जिप्सीज का जो काम है, ऑक्यूपेशन है, उसके बारे में पढ़ा. और उसके बाद न्यू ऑक्यूपेशंस के बारे में पढ़ा, आयरन और स्टील की इंडस्ट्री जो कि बेसिक हैं. उसके बाद हमने पढ़ा डिग्निटी ऑफ लेबर, जिसको हम पढ़ रहे थे. इसमें क्या बताया, काम को सम्मान, यानी कि हर काम जो है उसे सम्मान देना चाहिए. कोई भी काम जो है छोटा या बड़ा नहीं होता, चाहे वो मैनुअल हो या इंटेलेक्चुअल. सो टुडे वी विल रीड फर्दर. देयर इज़ जनरल नोशन दैट इंटेलेक्चुअल लेबर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मैनुअल लेबर. सम पीपल लुक डाउन अपॉन मैनुअल लेबर. दे फॉरगेट दैट रिस्पेक्ट लाइज इन अ क्वालिटी एंड नॉट इन द टाइप ऑफ वर्क. ऑल ऑक्यूपेशंस रिक्वायर हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, मेंटल अलर्टनेस एंड क्रिएटिविटी. अ वॉचमैन गार्ड्स अ कॉलोनी केयरफुली एंड एन एस्ट्रोनॉट ट्रेवल्स एंड वर्क्स इन द स्पेस क्राफ्ट. बोथ आर परफॉर्मिंग इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल जॉब्स. तो यहाँ बताया है कि देयर इज़ जनरल नोशन. जनरल नोशन होता है, एक धारणा बन चुकी है लोगों की, ये सोच बन चुकी है कि इंटेलेक्चुअल लेबर जो होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है मैनुअल लेबर से, यानी शारीरिक मेहनत से ज़्यादा जो है दिमागी मेहनत जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. सम पीपल लुक डाउन अपॉन मैनुअल लेबर. लुक डाउन मतलब नीचा समझते हैं अपने आप को. कुछ लोग, सम पीपल, अपने आप को नीचा समझते हैं कि हम जो हैं मैनुअल लेबर करते हैं. दे फॉरगेट दैट, वो भूल जाते हैं. कौन भूल जाते हैं? सम पीपल भूल जाते हैं कि रिस्पेक्ट लाइज इन द क्वालिटी. रिस्पेक्ट जो है क्वालिटी को देनी चाहिए, ठीक है, ना कि उसके काम के टाइप को. ऑल ऑक्यूपेशंस रिक्वायर्ड हार्ड वर्क. हर ऑक्यूपेशन को करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हार्ड वर्क की, मेहनत की, सिंसियरिटी की, मेंटल अलर्टनेस की एंड क्रिएटिविटी की. मेंटल अलर्टनेस मतलब लाइक एक मेज़न है, वो जो है सीढ़ी के ऊपर खड़ा होके जो है काम कर रहा है अपना, या एक पेंटर है वो सीढ़ी पे चढ़ के छत के ऊपर जो है पेंट कर रहा है, तो वहाँ पर जो है उसे मेंटल अलर्टनेस की ज़रूरत होती है और अपनी क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है कि कहीं से मोटा ना हो जाए, कहीं से पतला ना हो जाए, इस तरह से. तो हर काम जो है उसे हमें क्या देना चाहिए? सम्मान देना चाहिए. अ वॉचमैन गार्ड्स अ कॉलोनी केयरफुली. जैसे एक वॉचमैन जो है हमारी कॉलोनी की जो है रक्षा करता है केयरफुली, ध्यान से जो है हमारी कॉलोनी की जो है गार्ड करता है उसे, ताकि जो है हमारी कॉलोनी में कोई चोरी ना हो. और इसी तरह से एक एस्ट्रोनॉट है जो वो जो है स्पेस के बारे में काम करता है, जिससे हमें पता चलता है, ठीक है. बोथ आर परफॉर्मिंग इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल जॉब्स. इसी तरह से ये दोनों जो जॉब्स हैं, चाहे वो गार्ड की है या एस्ट्रोनॉट की है, दोनों ही क्या हैं? इम्पॉर्टेंट हैं और यूज़फुल हैं. कम टू द नेक्स्ट पेज. यहाँ एक स्टोरी है छोटी सी. वंस अ मैन नेम्ड हरी वेंट टू अ सेंट एंड बेग्ड फॉर फूड. द सेंट आस्क्ड, व्हाट डू यू हैव इन योर हाउस? हरी रिप्लाइड, आई हैव अ ब्लैंकेट दैट इज़ ओनली बिग enough to cover my body and spread as a sheet. I also have a leather water bag. The saint told him to go home and bring both the items. Hari brought the items and the saint asked the people present there, who will buy these? One man said, I will take them for 5 rupees. Another man offered 10 rupees. The saint took the money and gave it to Hari, who then brought food with 5 rupees and an axe with the other 5. The saint told Hari to cut wood with the axe, sell it and meet him after 1 week. तो इस स्टोरी में बताया है कि एक हरी नाम का जो है, एक बार एक हरी नाम का व्यक्ति था, वो एक सेंट के पास गया और वहाँ जाकर उससे जो है खाना मांगा. तो सेंट ने उससे पूछा कि व्हाट डू यू हैव इन योर हाउस, तुम्हारे घर में क्या क्या है, तुम क्या करते हो? तो हरी ने रिप्लाई किया कि आई हैव ए ब्लैंकेट, मेरे पास एक ब्लैंकेट है जो कि मेरी बॉडी को कवर करने के लिए इनफ है और एक शीट के रूप में बिछाने के लिए भी मुझे काफ़ी है. और उसने बताया आई ऑल्सो हैव अ लेदर वाटर बैग, उसके पास एक चमड़े का बना हुआ वाटर बैग है. तो सेंट ने उससे कहा, सेंट टोल्ड हिम टू गो होम, सेंट ने उसे घर जाने को कहा और कहा कि दोनों आइटम्स जो हैं अपनी लेकर आओ. तो हरी ब्रॉट द आइटम्स एंड सेंट द सेंट आस्क द पीपल प्रेजेंट देयर.
जब हरी उन आइटम्स को लेकर आया तो सेंट ने वहाँ पर जो लोग प्रेजेंट थे उनसे पूछा, हु विल बाय दीज, कौन इन्हें खरीदना चाहेगा। तो वन मैन सेड, एक आदमी ने कहा, आई विल टेक देम फॉर 5 rupees, मैं इसके जो है मैं इसे 5 rupees में ले लूँगा। और दूसरे आदमी ने कहा, अनदर मैन ऑफर 10 rupees, और दूसरे आदमी ने 10 rupees ऑफर किए। तो सेंट ने टुक द मनी एंड गेव इट टू हरी, उनसे पैसे लिए और हरी को दे दिए। हु देन बॉट फूड विद 5 rupees, जिनसे क्या है हरी जो है 5 rupees का फूड लेकर खरीद कर आया, और अदर 5 rupees जो बाकी 5 rupees बचे उससे एक एक्स खरीद कर लाया। एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। द सेंट टोल्ड हरी टू कट वुड, सेंट ने संत ने जो कहा हरी को कहा कि इससे जो है एक्स के साथ आप लकड़ी काटो और उसे बेचो, और एक वीक के बाद जो है मुझे मिलना। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, आफ्टर अ वीक हरी एंटर्ड, हरी अर्नड 50 rupees, ही वॉज हैप्पी। द सेंट कैप्ट हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर एंड सेड, यू लुक हैप्पी बिकॉज लेबर हैज़ डिग्निटी बट बैगिंग ब्रिंग्स शेम। तो एक वीक के बाद हरी ने 50 rupees जो है अर्न कर लिए, इकट्ठे कर लिए। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। द सेंट कैप्ट हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर, संत ने उनके जो है शोल्डर्स के ऊपर हाथ रखा और कहा, यू लुक हैप्पी, आप खुश हो, क्यों, क्योंकि जो आपने मेहनत करी एक्स के साथ, जो उन्होंने वुड काटी वो क्या थी, लेबर हैज़ डिग्निटी, जो मेहनत होती है वो सम्मान जो है उसे सम्मान मिलता है, बट बैगिंग ब्रिंग्स शेम, और जो हम मांगते हैं उससे हमें जो है शर्म महसूस होती है, उससे शर्म आती है। तो आगे हम पढ़ेंगे डिग्निटी ऑफ लेबर, ये आपका जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ डिग्निटी ऑफ लेबर, तो यहाँ हम जो है उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स रिस्पेक्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लेबर, सभी तरह के काम को रिस्पेक्ट देना, एंड नॉट कंसिडरिंग एनी जॉब सुपीरियर टू अदर, और ये नहीं मानना कि कोई भी काम जो है सुपीरियर होता है या इन्फीरियर होता है, कोई काम अच्छा बड़ा होता है या छोटा, ऐसा नहीं मानना चाहिए। सभी तरह के काम को जो है रिस्पेक्ट देना, उसे बोलते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर। द क्राफ्ट्समैन ऑफ कश्मीर आर फेमस फॉर एम्ब्रॉयडरी ऑन शॉल्स, कार्विंग वुड एंड गुजरात फॉर काची मिरर वर्क। इट इज़ द हैंडवर्क क्रिएटिविटी एंड क्वालिटी दैट अर्न्स रिस्पेक्ट फॉर दिस क्राफ्ट्समैन। चलो हम देखते हैं कश्मीर के जो क्राफ्ट्समैन हैं उनकी जो है कार्विंग देखते हैं वुड के ऊपर, और शॉल्स के ऊपर उनकी एम्ब्रॉयडरी देखते हैं। हाँ जी बेटा, ये देखो, ये कश्मीर के जो हैं लोग हैं वहाँ के जो है वुड के ऊपर कार्विंग करते हैं, मतलब वुड के ऊपर देखो डिज़ाइन बना रहे हैं, वुड का एक बड़ा सा टुकड़ा है उसके ऊपर जो है फ्लावर बनाकर उसके ऊपर कार्विंग कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखो, ये वहाँ की शॉल्स हैं कश्मीर की, जिसके ऊपर बहुत सारी देखो कितनी बारीकी से एम्ब्रॉयडरी की गई है ना, ये वहाँ का ऑक्यूपेशन है। उसके बाद जो गुजरात का फेमस वर्क है काची वर्क, जो मिरर से होता है, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी विद मिरर, ठीक, ये वहाँ का जो है फेमस वर्क है। देखो कितनी सुंदर जो है डिज़ाइन बनाया गया है थ्रेड से और मिरर से, ठीक है। जैसा कि हमने अभी देखा कि शॉल्स के ऊपर कितनी बारीकी से एम्ब्रॉयडरी की गई है, कश्मीर के क्राफ्ट्समैन जो है कैसे वुड के ऊपर कार्विंग करते हैं, और गुजरात में जो है काची मिरर वर्क जो है फेमस है। तो ये क्या है सब, इट इज़ द हार्ड वर्क क्रिएटिविटी एंड क्वालिटी दैट अर्न्स रिस्पेक्ट फॉर दिस क्राफ्ट्समैन, ये उनकी मेहनत है, उनकी क्रिएटिविटी है और उनकी क्वालिटी है काम में, जो क्या है इन क्राफ्ट्समैन को जो है रिस्पेक्ट अर्न कराती है, जिससे जो है इनको सम्मान मिलता है हर जगह। डू यू नो गांधी जी सेड, गांधी जी कहा करते थे, मैनुअल वर्क इज़ नॉट इन्फीरियर टू मेंटल वर्क। मैनुअल वर्क जो होता है, जो हाथ से हम काम करते हैं, शारीरिक वर्क जो होता है वो कभी भी इन्फीरियर नहीं होता मेंटल वर्क से, ठीक है, यानी कि जो दिमागी काम होता है उससे जो है नीचा नहीं होता, वो भी जो है अच्छा होता है। नो जॉब इज़ ग्रेटर दैन द अदर, डिग्निटी कैन बी अचीव्ड ओनली विद हार्ड वर्क। गांधी जी प्रीच्ड डिग्निटी ऑफ लेबर इन साबरमती आश्रम, द पीपल लिविंग इन द आश्रम वर टॉट टू क्लीन द टॉयलेट्स एंड सराउंडिंग्स देमसेल्व्स। तो वो कहते थे कि नो जॉब इज़ ग्रेटर दैन अदर, कोई भी जॉब जो है वो दूसरे से बड़ी नहीं होती। डिग्निटी कैन बी अचीव्ड ओनली विद हार्ड वर्क, सम्मान जो है केवल मेहनत से ही प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी प्रीच्ड, प्रीच्ड होता है प्रचार करना या समझाना,
तो गांधी जी जो है अपने आश्रम में, साबरमती आश्रम में, डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे में लोगों को समझाते थे। द पीपल लिविंग इन द आश्रम वर टॉट टू क्लीन द टॉयलेट्स, वो लोगों को समझाते थे जो भी आश्रम में रहते थे उनके, उन्हें समझाया जाता था कि जो उनके टॉयलेट्स हैं वो उसे खुद साफ़ करेंगे, एंड सराउंडिंग्स देम सेल्व्स, और अपने जो आसपास की सफाई है वो खुद करेंगे। एवरी वर्क इज़ रिस्पेक्टेबल, डिग्निफाइड एंड इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी। पीपल डूइंग मैनुअल लेबर आर नॉट इन्फीरियर इन एनी वे। अ डिग्निफाइड वर्क बिकम्स अनडिग्निफाइड ओनली इफ़ इट इज़ डन इन अ रॉन्ग वे और बाय अनफेयर मीन्स। मैनी फैमिलीज हैव डोमेस्टिक हेल्प टू टेक केयर ऑफ देयर हाउस होल्ड चोर्स एंड चिल्ड्रन। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टॉक पोलाइटली विद मेड सर्वेंट एंड रिस्पेक्ट देम फॉर देयर वर्क। तो इसमें बताया है कि एवरी वर्क इज़ रिस्पेक्टेबल, हर काम जो होता है वो सम्मान के लायक होता है, डिग्निफाइड होता है और सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। पीपल डूइंग मैनुअल लेबर आर नॉट इन्फीरियर इन एनी वे, जो लोग शारीरिक मेहनत करते हैं वो किसी तरीके से भी उनका काम जो है छोटा नहीं हो सकता। अ डिग्निफाइड वर्क बिकम्स अनडिग्निफाइड, एक सम्मान योग्य काम जो है तब अनडिग्निफाइड बन जाता है जब वो गलत तरीके से किया जाता है। इफ़ इट इज़ डन इन अ रोंग वे और बाय अनफेयर मीन्स, जब उसे गलत तरीके से, गलत सोच के साथ किया जाता है तब वो काम जो है अनडिग्निफाइड हो जाता है, तब हमें उसे सम्मान नहीं देना चाहिए और ना उसे मिलता है। मैनी फैमिलीज हैव डोमेस्टिक हेल्प टू टेक केयर ऑफ देयर हाउस होल्ड, कुछ फैमिलीज जो हैं डोमेस्टिक हेल्प के लिए जो डोमेस्टिक हेल्प लेते हैं अपने हाउस होल्ड चोर्स को कंप्लीट करने के लिए और अपने बच्चों की टेक केयर के लिए। जैसे कि इस पिक्चर में देखो, एक आंटी जो हैं खाना सर्व कर रहे हैं, है ना, तो जैसे हम अपने घर में मेड रखते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टॉक पोलाइटली, उनके साथ जो है हमें अच्छे से बात करनी चाहिए, मेड्स के साथ, सर्वेंट्स के साथ, एंड रिस्पेक्ट देम फॉर देयर वर्क, और हमें उनके काम की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कम टू द नेक्स्ट पेज। समटाइम्स चिल्ड्रन डू नॉट फील प्राउड ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट्स। द सन ऑफ अ टेलर मे विश दैट हिज फादर वर ए डॉक्टर, बट डू वी नॉट रिक्वायर अ टेलर एज मच एज वी नीड अ डॉक्टर। हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट इट इज़ द हार्ड वर्क, डिवोशन टू ड्यूटी एंड प्राइड इन द क्वालिटी ऑफ वर्क ऑफ मैनी पीपल दैट मेक आर लाइफ कम्फर्टेबल। यहाँ ये बताया है, समटाइम्स चिल्ड्रन डू नॉट फील प्राउड ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट्स। कई बार जो क्या है, कुछ बच्चे जो हैं ये महसूस करते हैं कि उनके पेरेंट्स जो है काम करते हैं, उसके जो भी काम करते हैं उसके ऊपर उन्हें गर्व नहीं होता। द सन ऑफ अ टेलर, एक टेलर का जो बेटा है वो ये विश करता है कि काश उसके फादर जो हैं एक डॉक्टर होते। बट डू वी नॉट रिक्वायर अ टेलर एज मच एज वी नीड अ डॉक्टर, परंतु क्या हमें एक टेलर की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कि एक डॉक्टर की है। हैंस इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इट इज़ द हार्ड वर्क, डिवोशन टू ड्यूटी एंड प्राइड इन द क्वालिटी, कि मेहनत, अपने काम के प्रति उनका जो है समर्पण और उनका जो है काम करने की क्वालिटी जो है, वही उन लोगों की क्वालिटी जो है हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती है। ऑनेस्ट लिविंग इज़ रिस्पेक्टेबल लिविंग, ईमानदारी के साथ रहना ही सम्माननीय जीवन है। यहाँ देखो, जैसे कि नीचे पिक्चर्स हैं, एक जो है पॉटर जो है पॉट बना रहा है, तो अगर वो पॉट नहीं बनाएगा तो हम जो है ठंडा पानी कैसे पिएंगे। एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, एक पायलट है और एक फार्मर है, तो इट मीन्स सभी काम जो ये जो नीचे सभी काम दिए गए हैं, ऑक्यूपेशंस हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं और सारे ही जो हैं रिस्पेक्टेबल हैं। आई होप आपको जो लेसन है क्लियर हो गया होगा। कल हम करेंगे बेटा इसका बुक पार्ट, तो आप अपने आप भी एक बार जो है बुक पार्ट को फाइंड करेंगे। थैंक यू।